नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा, और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। और सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दीपावली से पहले किसानों को राहत, फसलों की क्षति का मिलेगा मुआवजा, किसानों के खाते में जाएगी सीधे राशि। बिहार में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की समीक्षा, परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समय सीमा तय, 2025 तक अधूरी परियोजनाओं को करना होगा पूरा। मनरेगा के तहत खेल मैदान निर्माण को प्राथमिकता, 15 नवंबर तक सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश, नया आर्थिक लक्ष्य 25 करोड़ मानव दिवस। अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या बढ़ी, 26 नई अमृत भारत ट्रेनें चलाने का निर्णय, नई ट्रेनों से रेलवे सुविधाओं में होगी बढ़ोतरी। बेंगलुरु में भारत की शुरुआत बेहद खराब, टीम इंडिया 46 पर ऑल आउट, टेस्ट में भारत का सबसे कम स्कोर। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कटिहार में घोषणा की और कहा कि बाढ़ से प्रभावित जिलों के किसानों को फसलों के क्षति का मुआवजा दीपावली से पहले मिल जाएगा। मुआवजे की राशि सीधे किसानों के खातों में जाएगी। कटिहार के भगवती मंदिर महाविद्यालय मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिले की 183 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें कुल 405 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि बरारी, कुर्सेला और समेली में नए प्रखंड सह अंचल भवन की आवश्यकता को देखते हुए काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ से प्रभावित 16 जिलों के किसानों के लिए पहले और दूसरे चरण में 229 करोड़ और 261 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि का आकलन किया जाएगा। कटिहार में 66,000 बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए 46 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, जिससे उन्हें राहत मिलने की उम्मीद है। पटना समेत बिहार के 3 अन्य शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा की गई। नगर विकास विभाग ने निर्देश दिया है कि इन परियोजनाओं को अगले साल मई जून तक किसी भी हाल में पूरा किया जाए। केंद्र सरकार की नई नीति के तहत चयनित स्मार्ट शहरों को अगले साल से प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए की सहायता नहीं मिलेगी, जिससे वित्तीय चुनौतियां जो हैं बढ़ जाएंगी। अब तक चारों शहरों में कुल 129 परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है, जिनमें से 74 पूरी हो चुकी, 55 परियोजनाएं अभी अधूरी हैं और उन्हें 2025 मई तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस स्थिति में शहरों को अपने खर्चे खुद उठाने होंगे, जिससे कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया जा रहा है। अब सीधे लिए चलते हैं मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड, जहां बीते 2 अक्टूबर को बागमती और लखनदेई नदियों के उफान के बीच सेना का हेलीकॉप्टर राहत सामग्री लेकर बाढ़ प्रभावितों के बीच पहुंचा था। इस दौरान तकनीकी खराबी के चलते उसे पानी में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। इस लैंडिंग के बाद SDRF की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हेलीकॉप्टर में सवार 3 जवानों और एक चालक को सुरक्षित बचा लिया था। हालांकि हेलीकॉप्टर पानी में फंस गया था। अब जलस्तर कम होने के बाद JCB की मदद से हेलीकॉप्टर को आज निकाला गया। बता दें, 4 दिनों से इसे निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। फिलहाल इसे निकालने के बाद एक कंटेनर ट्रक पर लादकर इसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। बिहार में प्रीपेड स्मार्ट मीटर की समस्याओं के बीच सरकार ने तेजी से पुराने मीटर को बदलने का काम शुरू कर दिया है। ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में स्मार्ट मीटरिंग की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों को तेज किया जाए। इस अभियान के तहत बिजली कंपनियों के स्टाफ उपभोक्ताओं के घर जाकर उन्हें प्रीपेड स्मार्ट मीटर ऐप डाउनलोड करवाने और समय पर रिचार्ज करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके अलावा उपभोक्ताओं को सूचित किया जाएगा कि यदि उनका मीटर बैलेंस 7 दिनों की औसत खपत से नीचे चला जाए तो उन्हें 7 दिन पहले मोबाइल पर नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। अब बात बेहटा एयरपोर्ट के निर्माण की कर लेते हैं। साल 2024 की जनवरी से शुरू होने वाले इस एयरपोर्ट का निर्माण 2 चरणों में होगा। पहले चरण में इसकी सालाना यात्री क्षमता 50 लाख होगी, जबकि दूसरे चरण में इसे 1 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा। एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण 665.85 करोड़ रुपए की लागत से होगा। इसमें टर्मिनल, यूटिलिटी बिल्डिंग, एलिवेटेड रोड और अन्य आवश्यक सुविधाओं का निर्माण शामिल है। बता दें कि केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 1,413 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये प्रोजेक्ट वर्ष 2014 में घोषित किया गया था और अब इसकी पहली कड़ी शुरू होने जा रही है।
बिहार सरकार ने हाल ही में 3 आईपीएस अधिकारियों की छुट्टियों को मंजूरी दी है। इनमें अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार भी शामिल हैं, जो 1 नवंबर से 5 नवंबर 2024 तक निजी यात्रा पर रहेंगे। उनकी अनुपस्थिति में पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय को एडीजी मुख्यालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा विशेष शाखा के पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार पुरी का 18 से 31 अक्टूबर तक छुट्टी पर रहेंगे और इस दौरान पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार उनके कार्यभार संचालन करेंगे, जबकि पदस्थापना की प्रतीक्षा में बैठे पुलिस अधीक्षक मुख्यालय डॉक्टर नवजोत सिम्मी 11 नवंबर 2023 से 10 अक्टूबर 2024 तक कुल 335 दिनों के शिशु देखभाल अवकाश पर थी। उनकी छुट्टी को भी विस्तारित करते हुए 11 अक्टूबर से 26 दिसंबर 2024 तक कुल 77 दिन की मंजूरी दी गई है। सूबे के विकास आयुक्त चैतन्य प्रसाद ने सभी 38 जिलों के डीएम, परमंडलीय आयुक्त और विभागाध्यक्ष के साथ बैठक की। बैठक में भवन निर्माण, उद्योग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, ग्रामीण कार्य, नगर विकास, पर्यटन और योजना एवं विकास विभाग की योजनाओं पर चर्चा की गई। खासतौर पर उद्योग विभाग के तहत नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण पर जोर दिया गया। चैतन्य प्रसाद ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत स्वीकृत मामलों की समीक्षा करते हुए ये बताया कि वैशाली और रोहतास जैसे जिलों ने योजनाओं में बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके अलावा नई पर्यटन नीति के तहत उद्यमियों को 30% तक सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जिससे वंचित वर्गों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बुधवार को तारामंडल सभागार में आयोजित मनरेगा के एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम में कहा कि मनरेगा के तहत खेल मैदान का निर्माण प्राथमिकता के रूप में किया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि 15 नवंबर तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाए। मनरेगा आयुक्त संजय कुमार ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अब तक 13.41 करोड़ मानव दिवस सृजित किया जा चुका है जिसमें अब तक 13.41 करोड़ मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। कार्यक्रम में राज्य के सभी उप विकास आयुक्त, डीआरडीए निदेशक और जिला मनरेगा पदाधिकारी उपस्थित रहे। खगड़िया के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। 19 अक्टूबर को कोसी मैदान, कोसी कॉलेज में एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। ये मेला श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के निर्देश पर किया जा रहा है, जिसमें 18 कंपनियां भाग लेंगी और 1000 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। जिला नियोजन प्रभारी पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया इस मेले में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, आईटीआई, डिप्लोमा और स्नातक पास उम्मीदवार जो है शामिल हो सकते हैं। चयनित युवाओं को 8000 रुपए से लेकर 25000 प्रति माह की सैलरी और अन्य सुविधाएं भी उन्हें मिलेंगी। उम्मीदवारों को अपने बायोडाटा और सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ सुबह 10 बजे कोसी कॉलेज में उपस्थित होना होगा। एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना भी आवश्यक है। यात्रियों को राहत देने के लिए रेलवे बोर्ड ने उत्तर बिहार में अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का ऐलान किया है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और बरौनी के लिए कुल 5 नई ट्रेनें चलाने की मंजूरी दी गई है। रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 26 नई अमृत भारत ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसमें मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बरौनी को 1-1 तथा दरभंगा को 2 नई ट्रेनें मिलेंगी। मुजफ्फरपुर से पुणे, दरभंगा से नई दिल्ली, समस्तीपुर से लोकमान्य टर्मिनल और बरौनी से उधना सूरत के बीच ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। स्थानीय रेलवे जोन और मंडल ने नई ट्रेनों के नियमित परिचालन की तैयारियां जो है शुरू कर दी है, हालांकि रूट का निर्धारण अभी होना बाकी है। बिहार में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का एकीकरण मार्च 2025 से पहले किए जाने की संभावना है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय इस दिशा में आवश्यक तैयारियों में जुटा हुआ है। इस एकीकरण से राज्य के 39,073 गांव के लोगों को बैंकिंग सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होगी। बता दें बिहार के ग्रामीण बैंकों का इतिहास देखते हुए ये उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी 2019 को मध्य बिहार ग्रामीण बैंक और बिहार ग्रामीण बैंक का विलय कर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का गठन हुआ था। अब 2 और बैंकों के विलय से पूरा बिहार एक ही ग्रामीण बैंक के दायरे में आ जाएगा। इस एकीकरण से न केवल बैंक की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि पंचायत स्तर पर केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी आएगी। बिहार देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहां 3 ट्रांसजेंडरों को एक साथ दारोगा पद के लिए नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में 21 अक्टूबर को गांधी मैदान स्थित बापू सभागार में ये ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित होगा। इस अवसर पर मानवी मधु कश्यप, जो पहली ट्रांस वुमेन है, उनके साथ रोनित झा और बंटी कुमार, जो ट्रांस मैन है, उनको भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। बिहार पुलिस मुख्यालय की जानकारी के अनुसार ये नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम सुबह में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। भागलपुर जिले में शिक्षा विभाग ने ई शिक्षा कोष ऐप पर हाजिरी में गड़बड़ी के मामले में 50 शिक्षकों को चिन्हित किया है। इन शिक्षकों ने फोटो में छेड़छाड़ कर अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। नाथनगर नगर निगम और कहलगांव जैसे क्षेत्रों से शिकायतें। इसके अलावा मधेपुरा जिले में भी चौसा प्रखंड के 21 स्कूलों के शिक्षकों ने प्रधानाध्यापक की लॉगिन से हाजिरी बनाई, जिससे उन्हें स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है और सैलरी में कटौती का खतरा भी मंडरा रहा है। शिक्षा विभाग ने हाजिरी की दैनिक जांच के निर्देश दिए हैं ताकि अनियमितताओं पर समय पर कार्रवाई की जा सके। पटना में मद्य निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नकली अंग्रेजी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में भारी मात्रा में डुप्लीकेट शराब रैपर, बोतलें और ढक्कन बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में वैशाली के अमन कुमार और समस्तीपुर के मोहित दिनकर शामिल हैं। जानकारी के अनुसार बहादुरपुर वार्ड में गोलू सिंह लॉज के कमरे में इस अवैध शराब फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था। पटना जिला मद्य निषेध विभाग सहायक आयुक्त प्रेम प्रकाश ने बताया कि छापेमारी के दौरान 86 बोतल विदेशी शराब, 200 ढक्कन, पैकिंग मशीन और 800 खाली बोतलें जो है बरामद की गई है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में संलिप्त अन्य लोगों की गिरफ्तारियों के लिए भी कार्रवाई जारी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे पहले टेस्ट में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। हालांकि भारतीय पारी की शुरुआत जो है बेहद खराब रही। पहले तीन विकेट के महज 10 रन पर ही गिर गए जिसमें रोहित शर्मा 2 रन पर आउट हो गए। नंबर 3 पर बैटिंग करने आया विराट कोहली ने फैंस से बड़ी उम्मीदें जगाई थी, लेकिन उन्होंने निराश कर दिया। कोहली जो 8 साल बाद इस पोजीशन पर बैटिंग कर रहे थे, 9 गेंदों पर बिना कोई रन बनाए आउट हो गए। उनकी ये पारी फैंस के लिए निराशाजनक रही, क्योंकि कोहली के नाम टेस्ट क्रिकेट में 116 मैचों में 8,947 रन है, लेकिन नंबर 3 पर उनके स्थिति का प्रदर्शन जो है अच्छा नहीं रहा। भारतीय टीम 46 रन पर ढेर हो गई अपनी सरजमी पर। टेस्ट पारी में भारत का ये सबसे कम स्कोर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके हर्ष, पवन रोशन, नंद कुमार सिंह, संजीव कुमार, वेद प्रकाश सिंह, सृष्टि कुमारी, प्रकाश कुमार, उमेश ऋषिदेव, अशरफी, प्रकाश कुमार, सुकांत शंकर, बाबूलाल बरांडी, खुशी शर्मा, छोटू रजा, विपिन पासवान, गोनर शर्मा, प्रिंस कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, रोशनी गुप्ता, गौतम कुमार, अनवर करीम खान, रवि कुमार, नौसाद रजा, विजेंद्र सिंह, राकेश मिश्रा, रवि कुमार राम, योगेंद्र यादव, मुकेश यादव, तिलक प्रसाद, सिकंदर ठाकुर, प्रिंस कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद तौकीर, रवि मोहन मरबा, अमर राज, राजेंद्र कुमार महतो, रवि शंकर, निभा कुमारी, विपुल कुमार, मदन कुमार, महेश दास, अटल कुमार, सुबोध कुमार और राहुल कुमार। और इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए, देखने के लिए बिहारी न्यूज देखते रहिए। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।